मॉर्निंग क्लास नाइन्थ. टुडे आई एम डिलीवर ए न्यू लेक्चर फॉर दिस चैप्टर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फ्यूचर. एक्चुअली कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी फ्रेमिंग की गई, उसको बनाया गया और इसके जो है फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, या हम कह सकते हैं कौन कौन से कार्य करता है गाइस. ये इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. विदाउट मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई कैन नॉट रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क एंड इट्स फीचर्स. सो गाइस लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, सबसे पहले तो ये जाना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें तो एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल कह सकते हो. एक तरीके से हम जब किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से रूल को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, किसके लिए, एक कंट्री रूल के लिए, मतलब किसी कंट्री को चलाने के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन. फिर से एक बार, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल क्या होता है ये, एक तरीके से रूल्स डिजाइन फॉर ए कंट्री रूल. यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से कह सकते हैं या फिर एक तरीके से एक पर्टिकुलर ढांचागत रूप में किसी भी रूल्स को क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, कई तरीके के रूल्स को हम कलेक्ट करते हैं, और रूल को कलेक्ट करने का हमारा जो मुख्य कार्य होता है या कारण होता है वो होता है कंट्री रूल. हमें क्या करना पड़ता है, एक संवैधानिक तरीके से, रूल्स के तरीके से, रूल्स एंड रेगुलेशन के तरीके से हमें किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को क्या करना पड़ता है, जो है चलाना पड़ता है या एक तरीके से कार्यान्वित करना पड़ता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से क्या है, एक रूल्स और रेगुलेशन का वो कलेक्शन है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को ड्राइव करने में या चलाने में अपना सहयोग करता है. क्या करता है, सहयोग करता है गाइस. तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. एक्चुअली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये भी अपने आप में पर्टिकुलर रूप से काफ़ी इम्प्रेसिव है. इसका जो ढांचा है वो भी काफ़ी डिफरेंट है. तो अब आता है इम्पोर्टेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इम्पोर्टेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गाइस, इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है एक तरीके से, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंसी मतलब कह सकते हो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसका क्या वजह है या इसकी क्या कारण है गाइस. ये भी अपने आप एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. सबसे पहले ऐसे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी तरह से इंपॉर्टेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. एक्चुअली एक तरीके से ये क्या है, इट इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो ये क्या होता है, एक तरीके से बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. इसकी इंपॉर्टेंसी क्यों होती है कि ये एक डॉक्यूमेंट्स का, एक कागज का कार्य करता है, वो भी कैसा, बेसिक, बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो
शुरुआती दौर से ही विदाउट आप डॉक्यूमेंट, या हम कह सकते हैं विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते, या फिर एक तरीके से कह सकते हो आप किसी भी कंट्री रूल को जो है ड्राइव नहीं कर सकते, किसी भी कंट्री को ड्राइव नहीं कर सकते या नहीं चला सकते। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर इन ऑल ऑफ द लॉ ऑफ कंट्री। सुपीरियर होता है ये, सुपीरियर किस चीज में? ऑल ऑफ द लॉ, कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि एवरी लॉ एक तरीके से मेड फॉर इट, इसके लिए ही प्रत्येक लॉ को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, या एक तरीके से या जो भी रिकमेंडेशन होती है किसी भी लॉ की, तो इसके साथ कंसिस्ट किया जाता है। किसके साथ कंसिस्ट किया जाता है? वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्ट किया जाता है। और हम एक तरीके से आपको बता दें कि इट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, ये क्या होती है एक तरीके से, पीपल इमोशन, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन के साथ साथ एक तरीके से एक्सपेक्टेशन, हम यहां पर कह सकते हैं कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल है, लोगों की जरूरत है। लोगों की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये लोगों के इमोशंस को क्या करता है, जगह देता है। किस तरह से जगह देता है? जगह का मतलब यहां पे ये है, लोगों की भावनाओं को समझता है, लोगों के साथ उनके राइट्स का जो हनन होता है, या उनकी जो इंडिपेंडेंसी है उसको शो करने का कार्य करता है। यदि उनकी स्वतंत्रता में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अनदर पर्सन उनके साथ कोई भी इलीगल वर्क करता है, या किसी भी तरीके का जो ऐसा वर्क करता है जो कि जो है जायज नहीं होता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो दूसरा पर्सन है उसके इमोशंस की रेस्पेक्ट करता है, और उसके आधार पर लॉ एंड जो रूल्स हैं एक तरीके से उनको चलना जो है उनके माध्यम से उसको सेटिस्फाई करता है। कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदों को पूरा करता है। कैसी उम्मीदों को? जैसे कि हमारी जब कहीं बात हमारे साथ जो है अनइक्वलिटी होती है, कोई भी अनइक्वलिटी होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे इक्वल तरीके से रिप्रेजेंट करने का कार्य किसका? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। एक्सपेक्टेशन, हमारी यही जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इन्हीं को पूरा करने का कार्य कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से इंपॉर्टेंस ही क्या है जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, जरूरत क्या होती है ये, एक तरीके से हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो उसकी बेसिक वजह यह है कि ये क्या है, एक तरीके से बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी सोसाइटी का, या हमारी कंट्री का एक बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। बिना इसके कोई भी कंट्री रन नहीं कर सकता या नहीं चलाया जा सकता। किसी भी पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं किसको? पीपल को। और जो पीपल होते हैं एक तरीके से उनके रूल्स, उनको उनके जो एक तरीके से फीलिंग्स है, एक्सपेक्टेशन है, इमोशंस है, उसको जो एक तरीके से कहीं ना कहीं जगह दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो गाइस कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऑल ओवर जो कंट्री है उसको जो है रन करने का कार्य करता है, या एक तरीके से जो एवरी सिटीजन्स जो उस कंट्री में रहते हैं उस सिटीजन्स के इमोशंस का, एक्सपेक्टेशन का, और जो है कह सकते हो कि एस्पिरेशन का कार्य करता है। और जो है ये क्या है, एक तरीके से सुपीरियरिटी ऑफ लॉ है, एक तरीके से प्रत्येक कानून से ऊपर कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एवरी लॉ मेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही बनाए गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर पीपल, ये किसके लिए बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है। मतलब एक तरीके से इंटर रिलेटेड ईच अदर, लोग नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो लोग एक तरीके से किसी मतलब के नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये अपने अपने कार्य को क्या करता है, संचालित करता है, या कार्य को करने का कार्य करता है। तो ये क्या है, एक तरीके से इंपोर्टेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस, इसको भी आपको समझना है। नेक्स्ट आपका और भी यह देखने को या पढ़ने को, अब आता है आपका प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग, मतलब एक तरीके से इसको जो है कैसे तैयार किया गया। तो प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग की बात करें तो गाइस देखते हैं,
प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग की यदि हम बात करते हैं तो एक तरीके से 25 मार्च 1946 को इसके बारे में विचार किया गया। 25 मार्च 1946 किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बारे में जो सबसे पहला विचार किया गया 25 मार्च 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक तरीके से। दूसरा एक तरीके से हैंडेड द ड्यूटी टू द कैबिनेट मिशन ऑफ 3 मेंबर और ये ड्यूटी दी गई कैबिनेट मिशन को। किसको? थ्री मेंबर। सबसे पहले ये इसके बारे में विचार कब किया गया? 25 मार्च 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट मिशन, जो कि एक तरीके से इसी के लिए हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरीके से जो हमारी रिकमेंडेशन थी या रिकमेंडेड था उसके लिए कैबिनेट मिशन को क्या किया गया? फाउंड किया गया। इसके अंदर 3 मेंबर को जगह दी गई और उसके बाद दे डिसाइड द उन्होंने क्या किया? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इनके द्वारा क्या किया गया? डिसाइड किया गया स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। और उसके अंतर्गत एक तरीके से जो है फिर क्या किया गया कि इसके जो कमेटी थी यह हम कह सकते हैं जो एक तरीके से कमेटी बनाई गई उसमें 385 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। क्या किया गया? सबसे पहले इसके बारे में विचार किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद कैबिनेट मिशन बनाया गया 3 मेंबर्स और जो 3 मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए 385 मेंबर्स को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया जो बिलोंग करते थे, बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट रिलीजियस एंड लैंग्वेज। ये जो लोग बुलाए गए थे या इसको एक तरीके से मेंबर इंक्लूड किए गए थे जो कि मेंबर की संख्या थी, नंबर ऑफ मेंबर कितने थे? 385। इन मेंबर को जो इंक्लूड किया गया ये बिलोंग करते थे डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट रिलीजियस से और साथ में डिफरेंट लैंग्वेज एंड ट्राइब्स से। ट्राइब्स मतलब ट्राइबल मतलब जो एक तरीके से जनजाति क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, जिससे कि यह पता चल सके कि डिमांड क्या है, लोगों की इमोशंस क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। यदि हम 2 लोगों को उस मेंबर कमेटी में या उस मेंबरशिप में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो सिर्फ अपने मतलब की बातें ही क्या करेंगे उसमें इन्वॉल्व करेंगे। और ऐसी स्थिति को देखते हुए थ्री, जैसा कि हम जानते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैसी एक तरीके से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उस कमेटी के अंतर्गत जो 3 मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन है उसने क्या किया? इंक्लूड किया कितने मेंबर्स को? 385 मेंबर्स को जो कि डिफरेंट कास्ट रिलीजियस और लैंग्वेज एंड ट्राइब्स से क्या करते थे? रिलेटिव थे, जिससे कि वो प्रत्येक कम्युनिटी को एक तरीके से इक्वल रिप्रेजेंट कर सकें। किसके लिए? इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। यदि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट होने में प्रॉब्लम आएगी, या हम कह सकते हैं वो कुछ एक लोगों के लिए ही कैसा होगा उसके मतलब वेटरी के बारे में सोचेगा या एक तरीके से उनके लिए ही सोचेगा कुछ एक नंबर्स के लिए, और बाकी के लोग जो है कहीं ना कहीं
जो है इसका जो है फायदा नहीं उठा सकते या इक्विलिटी को नहीं पा सकते। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ही इसको जो है इसमें डिफरेंट जो मेंबर्स थे उनकी संख्या को जो है बढ़ा दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, और वो मेंबर्स थे 385। शुरुआत में एक तरीके से इसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट इसके कौन बनाए गए, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं असेंबली इज राजेंद्र प्रसाद, कौन इसके प्रेसिडेंट बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन उसके बाद एक तरीके से यदि सचिव बनाए गए, जो कैबिनेट सचिव बोल सकते हो या हम कह सकते हैं एक तरीके से कैबिनेट जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो मैन जो एक तरीके से जो कह सकते हो सचिव जो बनाए गए या कमेटी के जो असेंबल करने वाले वो बनाए गए, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक तरीके से कौन, उनका नाम क्या था, एक तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ में एक तरीके से ये जो एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी थी वो जो है उसने क्या किया, उसने अपाउंट किया एक ड्राफ्ट कमेटी को, या हम कह सकते हैं जो है एक ड्राफ्ट को एक तरीके से तैयार किया या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को तैयार किया गया, और एक इसकी चेयरमैनशिप को किसको दी गई, भीमराव अम्बेडकर को। बाज डॉक्टर भीमराव, अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर थे। सब देखो आपको ये समझने की बात है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो थे वो आपके कौन थे, वो जो एक तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशनल जो कैबिनेट थी उसके जो मैन आपके प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो एक तरीके से कमेटी थी, उस जो प्रेसिडेंट थे उसने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो है एक तरीके से उसका चेयरमैन हम किसको बनाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो उन्हें चेयरमैन बना दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप के बाद एक तरीके से इसको बनाने में लगभग 166 क्या बने लगे थे, सेशन लगे थे। किसको कंस्टिट्यूट करने में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबल करने में एक तरीके से कितना 166 सेशन लग गए थे। असेंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टाइम सेशन एंड 2 ईयर 11 मंथ एंड 17 डेज। किसकी चेयरमैनशिप में, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप में शुरुआती टाइम में। इसके जो आर्टिकल्स थे गाइस, आर्टिकल्स का मतलब एक तरीके से जो कह सकते हो कि रूल्स रेगुलेशन को जिसके अंदर इन्वॉल्व किया गया था, वो आर्टिकल्स आपके थे शुरुआत में 295 आर्टिकल्स थे शुरुआती दौर में जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबल किया गया था, तो शुरुआत में इसके 295 आर्टिकल्स थे। बाद में एक तरीके से जो आर्टिकल्स थे वो चेंज कर दिए गए, और जब चेंज कर दिए गए तो उस समय ये जो आर्टिकल बन के कितने हो गए, 395 आर्टिकल कैसे हो गए आपके, इंक्रीज हो गए थे गाइस। और जब ये आर्टिकल इंक्रीज कर दिए गए तो अपना एक तरीके से उसकी वजह थी, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, एक कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, और ये जो अमेंडमेंट किए गए थे उसकी वजह थी लगातार सुधार करना। क्योंकि जब कोई भी चीज़
जो असेंबल की जाती है, तो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है उसको असेंबल करने में, या कुछ कमियां या कुछ संशोधन होने बाकी रह जाते हैं, और ये संशोधन हमेशा कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो शुरुआत में जो एक तरीके से आपके आर्टिकल्स थे वो थे 295, और आगे जाके ये जो है आपके आर्टिकल्स 395 हो गए, और जो है आपकी 26 जनवरी, इसको जो है क्या किया गया, रिपब्लिक इंडिया के अंतर्गत इसको जो है क्या कर लिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मान्यता दे दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मान्यता दे गई, और भारत को रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया। ट्री क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, कब, 26 जनवरी 1949 गाइस। तो ये था एक तरीके से किसके बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दूसरा एक तरीके से इसको, एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको जो बनाने का कार्य है, एक तरीके से हम कह सकते हैं शुरू 26 जनवरी 1949 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन रिपब्लिक कंट्री के रूप में जो है 1950 इसको जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या घोषित कर दिया गया था। जनवरी वही रहेगा, 26 जनवरी, आपका 26 जनवरी 1950 को इसको जो है रिपब्लिक भारत घोषित कर दिया गया, और इसको कंप्लीट करने का कार्य 1949 को कंप्लीट कर दिया गया था। दूसरा एक तरीके से इसमें पहले शुरुआती दौर में 8 अपीलेट थे, और बाद में कितने कर दिए गए थे, 9 अपीलेट कर दिए गए, जिससे कि जो है मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट हमेशा होते रहे हैं, सुधार की गुंजाइश हमेशा या संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, या संशोधन जो है एक तरीके से क्या है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में होता रहता है, वो इसकी वजह होती है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ जो है सोसाइटी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में संशोधन करना या आर्टिकल में एक तरीके से इम्प्रूवमेंट कर देना या लेस कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। तो ये था आपका कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एक तरीके से कह सकते हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन को जो है असेंबल किया जा रहा था, तो उस समय कई ऐसे इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने क्या किया था, अपना इसमें सहयोग किया था, कॉपरेट किया था इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट के अंतर्गत कई मेंबर्स जो थे वो इंक्लूड थे, जैसे कि आपके उस समय जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ अबुल कलाम आज़ाद, नाम सुना होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गाइस ये कौन लोग थे, ये वो लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट को जब असेंबल किया जा रहा था, तो कहीं ना ये वो पॉलिटिकल लीडर थे जो क्या करते थे, जो है बिलोंग करते थे डिफरेंट कम्युनिटी से, और ये जो है अपने ग्रुप को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मानने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हम कह सकते हैं ये वो लोग थे जिन्होंने क्या किया, इसमें कॉपरेट किया, सहयोग किया, जिससे कि जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है बेहतर तरीके से असेंबल हो, और जिससे जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है उसको बेहतर तरीके से जो है आगे ले जाया जा सके। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो है पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हैंड राइटिंग वाला माना जाता है, या हम कह सकते हैं एक हाथ से लिखा गया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हमारी कई चीज़ों को क्या करता है, बढ़ावा देता है, जैसे लिबरलिटी को बढ़ावा देता है, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है, कि मतलब धर्मनिरपेक्ष जो है कहीं ना कहीं बहुत किसी भी कंट्री को आगे ले जाने का कार्य करता है। तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया है, लिबर्टी को बढ़ावा, दयालुता को बढ़ावा दिया गया, इक्वलिटी को बराबर जो है आगे बढ़ावा दिया गया है, इक्वलिटी के साथ साथ जो है किसी भी कास्ट रिलीजियस के आधार पर लोगों में जो भेदभाव है या एक तरीके से अनटचेबिलिटी है, छुआछूत जैसी चीज़ों को भी इसके अंदर से नेगलेक्ट किया गया है। गाइस ओवरऑल ये कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं जो है इक्वलिटी प्रदान करता है एवरी ह्यूमन को, प्रत्येक इंसान को, दे बिलोंग टू द इंडिया, जो कि भारत से बिलोंग करता हो या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करता हो या भारतीय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता हो, उस प्रत्येक इंसान को ये क्या करता है, इक्वल राइट देने का कार्य करता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आई ऑफ द पीपल है, एक तरीके से कह सकते हो इंसानों की क्या है, एक तरीके से आँख है, आँख एक तरीके से आई है। जब तक एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तब तक क्या होगा,
कि हम इक्वलिटी के लड़ते रहेंगे, इक्वलिटी के लिए जो है, या हम कह सकते हैं हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारे जो इमोशंस हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये सब क्या कैसे होते हैं, हमें हमारे पूरे भी होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारी हमें इक्वलिटी मिलती है, साथ में एक तरीके से हमें एक एक्सप्रेशन, हमारी जो इंस्पिरेशन है वो भी पूरी होती है, हमारी अपेक्षाएँ भी पूरी होती हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अनुसार हमें अपने आप को एक तरीके से इम्प्रूव करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। तो गाइस ये था एक तरीके से क्या, सबसे पहले तो हमारा ये था कि मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एक तरीके से उसके बाद ये था कि जो है इसको कैसे बनाया गया, फिर साथ में एक तरीके से एक पॉइंट और था कि इम्पोर्टेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस तो ये जो है आज हमने इसको क्या किया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद। आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करें, आपको ये एक तरीके से लर्न हो जाएगा, आप रिपीट करेंगे या इसको रिवाइज करेंगे। बहुत आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, पॉइंट बाय पॉइंट, और एक्चुअली ये पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का मेरा मुख्य मकसद यही होता है कि आपको जो है सही तरीके से या अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।